तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। सब बढ़िया होने यार। तो भाई लोग सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर 100 के फैमिली हो गई। एक टाइम पे मेरा जो सपना था वो आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण पूरा हो रहा है। तो आप सभी को दिल से लव यू मेरी जान। आशा है कि आप सब हमेशा मुझे ऐसे प्यार करते रहोगे। भाई लोग मैंने आप सभी से बोला था जैसे हमारे चैनल पर 100 के सब्सक्राइब कम्प्लीट होंगे तो हम Q&A करेंगे। तो लो हाजिर है तुम्हारा भाई Q&A वीडियो लेकर। और भाई लोग चड्डी से लेकर जन्म कुंडली तक हर एक चीज बताई है। तो वीडियो को जरा ध्यान पूर्वक देखना क्योंकि आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा। और काफी सारे भाइयों ने मेरा फेस भी नहीं देखा तो फेस रिवील भी इसी वीडियो में किया है। तो ध्यान पूर्वक देखने इसके मत करना, अभी बता रहा हूँ। Okay. भाई लोग हमारे कुछ प्यारे प्यारे यूट्यूबर मित्र हैं जिन्होंने हमारे चैनल पर कमेंट करे हैं और आप सब उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चलो भाई। तो हमारे लेजेंड भैया ने कमेंट करके पूछा है योर गर्लफ्रेंड नेम सच सच बताओ। अच्छा तो सुनो, ये बात है तब की जब मैं कॉलेज में था तब मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी लेकिन मैं उसे कभी भी बताता नहीं था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन एक दिन पता नहीं मैंने क्या सोचा और उसे व्हाट्सएप पे बोल दिया आई लव यू। लेकिन पता नहीं क्यों उसने सीन करके रिप्लाई नहीं किया। मैंने फिर भेज दिया, उसने फिर रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे करते करते 5-6 दिन निकल गए। मैं भेजता था वो रिप्लाई नहीं देती थी। तो भाई लोग फिर हो गया मेरा बचा खुचा दिमाग खराब। मैंने बोला देखो हाँ या ना में जवाब दे दो, क्यों बीच में लटका के रखा है। और भाई लोग आप सब मानोगे नहीं, उसकी टाइपिंग चलने लगी और मुझे पता था वो बोलेगी लेकिन मेरी नींद खुल गई यार। हाँ मैं सपने की बात कर रहा था यार। लेजेंड भाई जब सपने में गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो रियल लाइफ में का घंटा बनेगी। और हमारे सोवेक भैया ने कमेंट करा है कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। तो थैंक यू सो मच सोवेक भैया, बस आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। ये भाई ने कमेंट करा है कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो और बोला है ये बताओ यार कुछ भी बता दो जो स्पेशल हो। तो थैंक यू सो मच एम भाई एंड आप सभी का प्यार, इससे अच्छा स्पेशल क्या हो सकता है। आदि भाई कमेंट करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, माय क्वेश्चन पार्टी कब दे रहा है, 100 के पे कैसा लगा और फैमिली का रिएक्शन। तो आदि भाई थैंक यू सो मच एंड पार्टी क्या होती है, पार्टी जैसा शब्द सुना सुना लग रहा है, मैंने कहीं सुना तो है। अच्छा ब्रो जब मिलेंगे तब फुल पार्टी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और 100 के पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ सच में मैंने कुछ अचीव करा है। और रही बात फैमिली रिएक्शन की तो उनका भी बहुत अच्छा रिएक्शन था, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और रैबिट भाई ने कमेंट करा है कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच रैबिट भाई, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देख के। ब्रो आपकी एज क्या है और आपने किस एज में यूट्यूब स्टार्ट किया। तो ब्रो अभी मैं 19 साल का हूँ और जब मैं 15-16 साल का था तब से यूट्यूब पर हूँ। शादी कब करोगे टाइगर भाई। यार वीर भाई अभी मेरी उम्र क्या है, खेलने कूदने की उम्र में शादी कर लूंगा तो साला पूरी जिंदगी भर बच्चों को खिलाते रहूंगा। कौन सी चड्डी पहनता है भाई। अरे टाइगर को कभी चड्डी पहने देखा है, टाइगर चड्डी नहीं पहनते ब्रो। रियल नेम क्या है आपका, आपका फेस रिवील बाकी लव यू मेरी जान। तो रियल नेम है मेरा रोहित चौधरी और फेस रिवील इसी वीडियो में कर देंगे, बाकी लव यू टू मेरी जान। लड़कियों क्या है, लव यू टू दीदी। यूट्यूब से पहले क्या करते थे, कितना तक पढ़ाई करे हो। तो यूट्यूब से पहले मैं पढ़ाई करता था और अभी भी पढ़ाई करता हूँ, बस पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता, यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान रहता है। ब्रो आप इंडिया में कहाँ से हो, बाय द वे लव यू। ब्रो मैं इंडिया में मध्य प्रदेश से हूँ एंड लव यू टू मेरे भाई। टाइगर भाई आपका कितना बड़ा है दिल एंड आप कितनी रात तक करते हो एडिटिंग। तो ब्रो मेरा बहुत बड़ा है दिल और बहुत रात तक करता हूँ एडिटिंग। चैनल का नेम घायल टाइगर क्यों लिखा। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये बात है तब की जब मैं जंगल में घूम रहा था तब मुझे वहाँ सारा डार्लिंग मिली, उसने मुझे सीधा दिल पे तीर मारा यार, तब से मैं घायल हूँ भाई। पूरा गेम प्ले डालो प्लीज। हाँ ब्रो बिल्कुल डालेंगे, इस वीडियो के बाद कोशिश करूंगा लॉन्ग वीडियो भी डालूं। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि आपसे लॉन्ग वीडियो भी आएंगी। आपकी चड्डी का साइज क्या है, आपकी शादी हो गई क्या। अरे चड्डी चड्डी भाई मेरी चड्डी ले जाओ यार, तुम शादी वगैरह अभी नहीं हुई भाई, अभी तो मैं नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ भाई। आपके डिवाइस का नेम क्या है प्लीज बताओ। ब्रो मैं खेलता हूँ iPad 9 जनरेशन में। ब्रो योर फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग। तो ब्रो फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग मेरी आज से 1.5 साल पहले आई थी और बहुत कम आई थी। अब देखो मैंने सुना यूट्यूब पे अपनी अर्निंग बताना गाइडलाइन के खिलाफ है, तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आज के टाइम पे जितने का एडमिटन आ रहा है बस इतनी ही मेरी पेमेंट आई थी। भाई लोग अभी तो बहुत विचित्र विचित्र क्वेश्चन बाकी है, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना क्योंकि आप सबको बहुत मजा आएगा। और आप सबको मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अपनी चड्डी का कलर बताओ भाई। आपसे पहले जिसने चड्डी के बारे में कमेंट करी थी वो मेरी चड्डी ले गया, अब उसी को पता है, मुझे नहीं पता भाई। अपना इंस्टा आईडी दे दो। अरे लो ये लो, आ जाओ इंस्टा पे फॉलो कर लो जल्दी से। आप हिलाते हो कि नहीं। अरे अरे जायरो, अरे मैं बहुत हिलाता हूँ जायरो। आपके जब 1K सब्सक्राइब हुए थे आपको कैसा लगा था। ब्रो मेरे हिसाब से मुझे 1K पर ही बहुत ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि देखो 1K के पहले सिर्फ लिख के आता है 200, 300, 400 ऐसे, लेकिन जब 1K हो जाते तो K लग जाता है, और जब मेरे चैनल पर K लगा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे नमक से लेके धना मिर्च तक सब कुछ है भाई। आपको
यूट्यूब का रास्ता किसने दिखाया, आपका इंस्पिरेशन कौन है? फिर आज से 3-4 साल पहले मैं बस गेम खेलता था, लेकिन फिर मैंने काफी क्रिएटर्स के गेम प्ले देखे, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी गेम प्ले डालूं। लेकिन उस टाइम मेरे पास अच्छा डिवाइस नहीं था, तो जो भी बनता था मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। और अभी कुछ टाइम से मैं शॉर्ट वीडियो ही डाल रहा हूं, और शॉर्ट वीडियो के बारे में बताऊं तो मैं एम भाई से काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ हूं। भाई तुम्हारी 1 महीने की इनकम कितनी है? तो बिरो देखो फिलहाल तो मेरी इनकम नहीं हो रही, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से अर्निंग ही नहीं होती यार। भाई सच सच बताओ तुम्हारी चड्डी में कितने छेद हैं? भाई क्या करूं, चड्डी पहनना ही बंद कर दूं क्या? जिसको देखो चड्डी के बारे में पूछ रहे हैं। भाई तुम्हें नहीं पता कि मेरी चड्डी में कितने छेद हैं? तुम ही तो रोज मेरी चड्डी बदलते हो। आप कहाँ तक पढ़ाई करे हो? YouTube के लिए घर वाले सपोर्ट करते हैं? YouTube के अलावा और क्या करते हो? तो भाई अभी मैं 12वीं क्लास में हूँ, कॉलेज वगैरह हो जाता, फेल वगैरह नहीं हुआ, बस मैंने लेट नाम लिखवाया तो अभी कॉलेज नहीं पहुँच पाया, बस 12वीं ही कर रहा हूँ। YouTube के लिए मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, किसी भी चीज की जरूरत हो हमेशा हेल्प करती है। पहले नहीं करती थी, पहले तो बहुत पिटाई लगती थी, लेकिन अब फुल सपोर्ट है मेरे लिए। टाइगर भाई आपका बर्थडे कब है? ब्रो मेरा बर्थडे आता है 4 अक्टूबर को। कौन से फोन से पबजी बीच में स्टार्ट किया था? तो ब्रो जब पबजी था मैं तब से गेम खेल रहा हूँ, और मेरे पास तब Redmi 4 था, 2GB RAM थी। भाई बहुत मुसीबत झेली है यार। टाइगर भाई गेम खेलते समय मम्मी से झाड़ू पड़ा कि नहीं? मेरे मम्मी से तो नहीं, मम्मी से बस डांट पड़ी है, लेकिन पापा से एक बार बहुत मार पड़ी थी। रुको बताता हूँ क्या हुआ था। अब एक दिन हुआ क्या, मैं काफी रात तक गेम खेल रहा था, उस दिन मेरे पापा रात में घर आए। अब जब भी मेरे पापा रात में घर आते थे मोबाइल इधर उधर रख देता था और सोने की एक्टिंग करता था, ताकि उन्हें लगे मैं गेम खेला ही नहीं। अब जिस दिन रात में मेरे पापा आए उसी दिन रात में मैं गेम खेल रहा था, उस दिन मैंने मोबाइल रखा नहीं, अब मैं कर रहा था रैंक पुश। मैंने सोचा क्या पता पापा मारेंगे, जरूरी थोड़ी ना है। अब मेरे पापा आए और बगल में खड़े होके मुझे देखने लगे। अब मुझे लगा पापा को गेम देखने में मजा आ रहा है, इसलिए मेरे बगल में खड़े होके मस्त गेम देख रहे हैं। अब हुआ क्या, देखते देखते 10-5 मिनट निकल गया। मैंने सोचा पापा बड़ी देर से देख रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा पापा की तरफ देख लेता हूं। अब जैसे मैंने पापा की तरफ देखा, पापा ने हाथ घुमा के ऐसा थपाक से लपाड़ा मारा, भाई 1 सेकंड नहीं लगा मेरा रैंक का भूत उतर गया। भाई लोग मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सच में हुआ है, मेरे को सच में कई बार डांट और पिटाई पड़ी है। देखो यार गेम वगैरह खेलने से तो सबके मम्मी पापा मना करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, लेकिन भैया मेरे मम्मी पापा तो यूट्यूब पे वीडियो तक नहीं बनाने देते थे, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम झेली है यार। और जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई तब से ही मेरी फैमिली को विश्वास हो गया, उनको भी पता चल गया कि हाँ यूट्यूब वगैरह से भी कुछ कमाया जा सकता है, तो तब से मेरे को फुल सपोर्ट रहता है, किसी भी चीज की जरूरत हो फैमिली हमेशा हेल्प करती है। ब्रो कौन सा एडिटर यूज करते हो और माइक? ब्रो एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ काइन मास्टर, और वॉइस ओवर के लिए यूज करता हूँ बोया बाय M1 का माइक। आप पहले भी यूट्यूब जर्नी में आए थे या फिर ये आपकी पहली ही यूट्यूब सक्सेस है? कॉन्ग्रेचुलेशन 400 के। थैंक यू सो मच मेरे भाई, सच बताऊं तो यही मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं शुरू से मेहनत करते आ रहा हूँ। GF नेम इनकम चड्डी कौन सा पहनते हो, क्या सोच के यूट्यूब पर आए थे? भाई तुमने सब कुछ सही पूछा, लेकिन चड्डी क्या सोच के पूछे यार, जिसको देखा मेरी चड्डी के बारे में पूछ रहा है। भाई मेरी चड्डी से क्या लेना देना है, छोड़ो मैं चड्डी पहनना ही छोड़ रहा हूँ। भाई आज के बाद मैं चड्डी पहनूंगा ही नहीं, चला जंगलों में जाके झिंगा लाला हु करते रहूंगा, लेकिन चड्डी नहीं पहनूंगा। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर तो दे दिए, बस ये और बता देता हूँ यूट्यूब पे क्या सोच के आया। देखो यार मेरा भी सपना था मैं भी कभी एक अच्छा यूट्यूबर बनूं, मैं भी अपने जरिए लोगों के फेस पे स्माइल लाऊं। आप पबजी किस सीजन से खेल रहे हो? देखो यार जब पबजी आया था मैंने तभी पबजी को डाउनलोड कर लिया था, लेकिन तब मुझे पबजी में कुछ समझ नहीं आ रहा था और पता भी नहीं था इसको कैसे खेलते हैं, तो मैंने डिलीट कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद सभी लोग पबजी खेलने लगे थे, पबजी का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था, जिसको देखो वो पबजी खेल रहा था, मेरे दोस्त भी खेल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी खेल के देखता हूँ यार। और सीजन 6 से मैंने पबजी को खेलना स्टार्ट कर दिया था, तब से अभी तक मैं गेम खेल ही रहा हूँ। कहाँ से हो आप और 10वीं के मार्क? ब्रो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, बता दिया। और 10वीं के मार्क्स के बारे में बात करूँ तो मेरे आए थे करीब 64%। आपके पास PC है कि नहीं? ब्रो मेरे पास ये मोबाइल है और iPad है, iPad से मैं गेम प्ले बनाता हूँ और मोबाइल से एडिटिंग वॉइस ओवर सब कुछ करता हूँ। न्यू गेम्स के वीडियो डालोगे क्या? देखते हैं यार, अगर अपन फ्यूचर में PC बनाते हैं तो अपन PC गेम्स भी ट्राई करेंगे। कांग्रेचुलेशन 400 के सब्सक्राइबर, आपका सेटअप टूर सेंड करो। यार देखो अभी मेरा कोई भी सेटअप टूर नहीं है, बस एक मोबाइल और iPad है जिससे मैं एडिटिंग वगैरह करते रहता हूँ। और अगर आप सभी का ऐसे प्यार बना रहा तो फ्यूचर में जरूर बनाएंगे। आपकी BGMI में सबसे ज्यादा फेवरेट गन कौन सी है? देखो यार वैसे तो मेरी AKM M4 वगैरह फेवरेट है, लेकिन अगर स्नाइपिंग की बात करी जाए तो स्नाइपिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और स्नाइपर में मुझे AWM बहुत पसंद है। कांग्रेचुलेशन ब्रो, आप 11th में क्या लिए थे? साइंस कॉमर्स आर्ट। थैंक यू सो मच ब्रो। देखो यार मैंने आर्ट लिया था, क्योंकि साइंस वगैरह मेरे से होता नहीं, क्योंकि आधा दिमाग तो मेरा यूट्यूब पर ही रहता है। आप बड़ी देर से सोच रहे होगे भाई फेस रिवील कब करोगे, कहीं भूल तो नहीं गए? अरे नहीं भूला यार, फेस रिवील ही करना है। चलो फिर करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तो फाइनली गाइस तुम्हारे भाई फेस रिवील करने वाला है। हालांकि मेरा फेस रिवील पहले भी हो चुका है, लेकिन मैंने पहले की वीडियोज और फोटोज वगैरह प्राइवेट कर दिए थी। और आप में से काफी सारे भाई कह रहे थे टाइगर भाई फेस रिवील करो और Q&A भी करो, तो मैंने सोचा चलो Q&A में ही फेस रिवील कर देंगे। तो चलो गाइस तुम्हारे भाई अब फेस दिखाने वाला है, तैयार हो जाओ। एक काम करता हूं, मैं नहीं दिखा रहा, मैं जा रहा हूं। अच्छा दिखा रहा हूं यार, टेंशन मत लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। जी हां गाइस यही है तुम्हारे भाई का फेस, आप सब देख सकते हो। अब आप में से काफी सारे भाई लोग मुझे पहले से जानते भी हो, और आप में से काफी सारे भाइयों ने मेरा फेस पहले से देख रखा है, और आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा मुझे पता है ब्लॉग वगैरह में। देखो यार हर एक यूट्यूबर का सपना होता है वो कभी फेस रिवील से रिलेटेड वीडियो बनाए। मेरा भी सपना था, लेकिन मैंने क्या करा था ऐसे रैंडमली फेस रिवील कर दिया था। तो आज मुझे मौका मिला कि मैं फेस रिवील वाली वीडियो बनाऊं और आप सबको दिखाऊं, क्योंकि आप में से काफी सारे भाइयों ने नहीं देखा था। तो लोग यही है तुम्हारे भाई का फेस। काफी सारे भाई लोग सोच रहे होंगे टाइगर मस्त होगा भैया स्मार्ट लौंडा, लेकिन ऐसी नहीं है भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ छपरी टाइप का। तो भाई लोग मुझे आ रही है कैमरा के सामने शर्म, तो मैं ज्यादा देर तक कैमरे के सामने नहीं रुक पाऊंगा। और हाँ एक बात और बता देता हूँ, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि फेस रिवील के साथ भी कभी कभी शॉर्ट बना दिया करूंगा, तो आप सब देखना जरूर। और हाँ अगर आप सबको मजा आया हो Q&A में तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। भाई लोग अब बारी आ चुकी है वीडियो को समाप्त करने की। आशा है कि मैंने आप सभी के सवालों के जवाब दे दिए होंगे। भाई लोग अगर मैंने आपका कमेंट मिस कर दिया हो तो प्लीज दिल पे मत लेना यार, बुरा मत मानना। देखो काफी सारे कमेंट आए थे, मैंने कोशिश करा है सबके सवालों के जवाब देने का, और उम्मीद है कि मैंने सभी के सवालों के जवाब दे दिए होंगे। आपके मन में जो भी डाउट होगा शायद क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप जो सोच रहे हो टाइगर भाई ने हमारा कमेंट क्यों नहीं लिया, तो देखो यार प्लीज बुरा मत मानना, अपने छोटा भाई समझ के माफ कर देना। देखो यार हम लोग आगे और भी Q&A करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें आप सभी के सवालों के जवाब दूं। बस भाई लोग यही थी आज की वीडियो। अगर आप सबको वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और भाई लाइक तो कर ही देना, क्योंकि यार 12:01 बजे हैं, 2 बज गए हैं यार, और मैं रात में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इस टैलेंट के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माता दी।